सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कंपैरिजन सीरीज की एक नए एपिसोड में। इस सीरीज की पिछले एपिसोड में हमने इंडिया और चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच एक कंपैरिजन किया था, और आज की वीडियो में हम इंडिया की लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर और चाइना की लाइट अटैक हेलीकॉप्टर हार्बिन Z19 को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया की LCH से शुरुआत करते हैं। LCH एक मल्टी रोल कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहली बार इंडियन आर्मी को 1999 में कारगिल वॉर के दौरान अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस हुई थी, और 2006 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCH प्रोग्राम के बारे में ऑफिशियली अनाउंस किया था। 29 मार्च 2010 को LCH ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट किया था, और अभी LCH को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाने वाला है। अभी तक इसके 4 यूनिट बनाए गए हैं और इसकी एक यूनिट की कॉस्ट $20 मिलियन है। अभी हार्बिन Z19 की बात करते हैं। हार्बिन Z19 या फिर आप इसे WZ19 भी कह सकते हैं, ये एक चाइनीज रिकॉग्नेंस और अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे डेवलप किया है हार्बिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने। इसे पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसे हार्बिन Z9 के कंपोनेंट से बनाया गया है जो कि यूरोकॉप्टर डॉल्फिन का एक चाइनीज कॉपी है। इसकी पहली फ्लाइट 2011 में हुई थी और 2012 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तक इसके 120 से भी ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पर नजर डालते हैं। LCH एक ट्विन सीटर हेलीकॉप्टर है। इसकी लेंथ 15.8 मीटर, हाइट 4.7 मीटर और रोटर डायमीटर 13.2 मीटर है। वहीं पर हार्बिन Z19 भी एक ट्विन सीटर हेलीकॉप्टर है। इसकी लेंथ 12 मीटर, हाइट 4.1 मीटर और रोटर डायमीटर 11.93 मीटर है। LCH का एम्प्टी वेट है 2230 kg और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 5800 kg। Z19 का एम्प्टी वेट है 2350 kg और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 4250 kg। LCH में लगे हैं 2 टर्बोमेका शक्ति टर्बोसेफ्ट इंजन जो कि 2768 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। वहीं पर Z19 में लगा हुआ है 2 WZ8C टर्बोसॉफ्ट इंजन जो कि 1880 हॉर्स पावर जनरेट कर। अब इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। LCH की मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर है और इसके रेंज 700 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इसका एंड्योरेंस टाइम 3 आवर 10 मिनट का है। Z19 की बात करें तो इसका मैक्सिमम स्पीड 245 से लेके 280 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका रेंज भी 700 किलोमीटर का है लेकिन इसका एंड्योरेंस टाइम 4 घंटे का है। LCH का सर्विस सीलिंग 6500 मीटर का है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 12 मीटर पर सेकंड है। वहीं पर Z19 का सर्विस सीलिंग 6000 मीटर का है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 9 मीटर पर सेकंड है। अब आर्मामेंट की बात करते हैं। LCH की प्राइमरी वेपन की बात करें तो इसमें एक 20mm का कैनन लगा हुआ है। इसके साथ ही इसमें टोटल 4 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें रॉकेट्स, एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी कैरी किया जा सकता है। एयर टू एयर कैटेगरी में MBDA मिस्ट्रल मिसाइल को फायर कर सकता है, जबकि एंटी टैंक मिसाइल की कैटेगरी में ये DRDO की हेलेना मिसाइल को फायर कर सकती है। Z19 में भी एक प्राइमरी गन और 8 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें ये 8 एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल को कैरी कर सकता है। एयर टू एयर कैटेगरी में ये TY-90 और एंटी टैंक मिसाइल के कैटेगरी में ये HJ-8 को फायर कर सकता है। एवियोनिक्स की बात करें तो LCH में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर और लेजर डेजिग्नेटर, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम दिया गया है। वहीं पर Z19 में भी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर, MMV रडार और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले दिया गया है। अब इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले साइज की बात करें तो LCH Z19 से साइज में थोड़ा बड़ा होने के बावजूद भी Z19 से हल्का है और Z19 से ज्यादा लोड कैरी कर सकता है, तो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी में LCH के पास एडवांटेजेस है। इंजन की बात करें तो LCH में 2 शक्ति इंजन लगे हुए हैं जो 2768 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं, जबकि Z19 में 2 WZ8C इंजन लगे हुए हैं जो कि 1880 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। LCH में Z19 के मुकाबले ज्यादा पावरफुल इंजन लगा होने के बावजूद भी Z19 का टॉप स्पीड LCH से ज्यादा है। दोनों ही हेलीकॉप्टर्स की रेंज सेम है लेकिन Z19 का एंड्योरेंस टाइम LCH के मुकाबले ज्यादा है, तो यहाँ पर Z19 के पास एडवांटेजेस है। LCH का सर्विस सीलिंग 6500 मीटर का है और रेट ऑफ क्लाइंब 12 मीटर पर सेकंड है, जबकि Z19 का सर्विस सीलिंग 6000 मीटर का है और रेट ऑफ क्लाइंब 9 मीटर पर सेकंड है,
तो यहाँ पर LCH के पास एडवांटेजेस है। एवियोनिक्स की बात करें तो दोनों ही हेलीकॉप्टर्स लगभग साइड बाय साइड हैं, लेकिन LCH में कुछ एडिशनल काउंटर मेजर सिस्टम्स दिए गए हैं। आर्मामेंट की बात करें तो LCH में 470 mm के रॉकेट पॉड्स को कैरी किया जा सकता है, जबकि Z19 में सिर्फ दो ही कैरी किया जा सकता है। बाकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी में ये दोनों ही हेलीकॉप्टर्स 8 एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैरी कर सकते हैं। लेकिन मिसाइल के मामले में LCH की एंटी टैंक हेलिना मिसाइल 10 किलोमीटर तक मार्क कर सकती है, जबकि Z19 की एंटी टैंक मिसाइल सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक ही मार्क कर सकती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों ही हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे के बराबर के हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल इंजन, बेहतर एंटी टैंक मिसाइल, बेहतर काउंटर मेजर सिस्टम, बेहतर सर्विस सीलिंग और बेहतर रेट ऑफ क्लाइंब को नजर में रखते हुए LCH को विनर माना जा सकता है। फिर भी Z19 LCH से ज्यादा पीछे नहीं है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और चाइनीज लाइट अटैक हेलीकॉप्टर के बीच एक हेड टू हेड कंपैरिजन। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।